हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और मेरे चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शेयर करेंगे हरी मटर के गर्मा गर्म पराठे की रेसिपी, और सर्दियों में ये गर्मा गर्म पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ हरी मटर ली है और हम हरी मटर के पराठे बनाएंगे। तो ये जो है कि ताजी मटर है सीजनी, और यहाँ मैं दो आलू ले रही हूँ और चार पांच जो है कि हरी मिर्च। आपको जितना स्पाइसी बनाना है आप अपने हिसाब से उतना तीखा आप रख सकते हो। और आलू को स्किप करना है तो स्किप कर दीजिए, या तो सिर्फ हरी मटर की बनाइए। तो मेरे बच्चों को जो है कि आलू वाला ज़्यादा पसंद रहता है, तो यहाँ मैं जो है कि मटर ली हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर हम मटर को डाल देंगे और हम मटर को पीस लेते हैं और इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्रेट करेंगे। ये देखिए, मैंने मटर को ग्रेंड कर लिया है और जो मैंने हरी मिर्च दिखाई थी इसको डाल के मैंने इसे ग्रेंड कर लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। पेन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम तेल डालेंगे और तेल को भी हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम यहाँ जीरे का तड़का देंगे। तो जीरे को हम रोस्ट होने देते हैं। जीरा हमारा रोस्ट हो गया है तो हमने ये जो हरी मटर पीस करके ली थी इसके अंदर इसे भी डालेंगे और डाल करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम ही गैस पे हमें इसे भूनना है। तो मटर को मैंने थोड़ी देर तक भूना है और इसका देखिए मॉइस्चर जो है कि धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। जब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे तो ये और भी ड्राई हो जाएगा। अब इस वक्त हम इस जो है कि हमने उबाल करके आलू जो लिया था इसके अंदर हम आलू को भी डाल देते हैं। तो मैंने दोनों आलू लिया है, दोनों आलू को हम इस तरह तोड़ करके डाल देंगे और इसके अंदर भी इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने आलू को भी इसमें जो है कि तोड़ करके डाल दिया है। अब हम इसे जो है कि मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें अच्छे से दबाते हुए मिक्स करना है, जैसे कि आलू और मटर जो है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ एक चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी डाल करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसमें कुछ मसाले सूखे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच रेड लाल मिर्च और आधा चम्मच चाट मसाले, आधा चम्मच गरम मसाले। इन सबको डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अगर आप आलू जो है कि नहीं डालना चाहते हैं तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और जितनी अच्छे से हम इसे भूनेंगे उतने ही ये जो है कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बस कमाल मसाले की है, जितनी अच्छे से आप मसाले की भुनाई करेंगे उतने ही अच्छे आपके जो है कि मटर की पूड़ी बनेगी। वो दिख रहा होगा कि हमारी जो है कि स्टिपिंग जो है कि बन करके तैयार है और मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक इसे हमने भुना है। तो बस कमाल जो है स्टिपिंग की है, जितनी ही अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगी उतनी ही टेस्टी आपके पराठे बनेंगे। तो ये देखिए, ये भून चुके हैं और मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसे हम जो है कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और पराठे भी हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। स्टिपिंग हमारी बनकर के तैयार है तो अब हम डो बना लेते हैं। तो डो के लिए मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है और अक्सर पूड़ी का आटा जो होता है ना तो उसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो हम सॉफ्ट ही आटा लगाएंगे और हार्ड नहीं लगाएंगे। क्योंकि जब हार्ड आटा होता है ना तो हम उसमें भरेंगे तो हमारी पूड़ी फटने लगेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका जो है कि डो लगा लेते हैं। तो इसका डो हम जो है कि लगा लेते हैं। ये देखिए, डो हमारा तैयार है
और ये देखिए ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि हार्ड है, ये सॉफ्ट है बिल्कुल, और बनाने लायक है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, सूखे आटे ले लेते हैं इसमें। अब इसमें से हम एक लोई उठाएंगे और इसका हम चकवा बनाएंगे, और हम सूखे आटे में इसे डस्ट करेंगे। तो हम यहाँ सूखा आटा ले ले रहे हैं और इस तरह से हम चकवा बनाएंगे। और इसमें जो है कि जितना थोड़ा सा पराठे जो है कि मोटे अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है कि चकवा बड़ा बना रही हूँ। अब इसके अंदर इस तरह से हम चकवे बना करके इसके अंदर हम इस डिपिंग को भरेंगे। हमें क्या करना है, ये जो वाला हिस्सा है ना इसके किनारे का, इसे पतला रखना है और जो है बीच वाला हिस्सा मोटा रखना है। तो अब इसके अंदर हम स्टिपिंग को डालेंगे इस तरह। आपको जितनी इस पर स्टिपिंग डालनी है उतनी डा भर लीजिए इस तरह से, और फिर इसका मुंह हम इस तरह करके बटोरेंगे, ऐसे ऐसे बटोरते जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, आप ये जो ऊपर वाला है इसे इस तरह करके निकाल दीजिए और इस तरह हाथों से प्रेस कर दीजिए इसे इस तरह। अब हम इस सूखे आटे में इसे डस्ट करेंगे और इस तरह हाथों से प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करने से ये होगा ना कि पूरी स्टिपिंग इसके अंदर फैल जाएगी, और फिर हम इसका इस तरह करके हम थोड़ा सा इसका चकोर चौड़ा कर लेते हैं। अब इसे हम बेल लेते हैं। हमें बिल्कुल हल्के हाथ से जो है कि हम बेलेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे जो है बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, और जितना लंबा जितना चौड़ा बेलना है आप इसे बेल लीजिए। तो ये देखिए हमारा इजली बहुत ही अच्छी तरह से बेल चुका है, ये फटना नहीं चाहिए। जब ये फट जाएगा तो ये फूलेगा नहीं। दूसरा वाला भी बना लेती हूँ इस तरह करके। तो इसके अंदर आपको जितनी जो है कि स्टिपिंग डालनी है उतनी डाल लीजिए, और इस तरह हम हाथों से ऐसे मुँह को बटोरते जाएंगे। और ये देखिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है कि बटोर चुका है ऐसे। इस तरह करके हम चकवा इसका दूसरा वाला भी बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए बन भी चुका है, अब इसे हम बेल लेते हैं। तो तवा को मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इस पे अपने जो है कि पूड़ी को डालेंगे, और गैस की फ्लेम जो है कि मीडियम इस वक्त रखना है। अब हम एक तरफ से इसे पलट देते हैं और दूसरे तरफ से भी हम इसे जो है कि सेक लेते हैं। ये देखिए एक तरफ से जो है कि सिक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आप बटर लो या घी लो या तेल लो, जो भी हो आप, अब हम इस पर लगाएंगे इसे इस तरह से। चारों तरफ से हम इसे लगा लेते हैं। हमने तेल लगा लिया है, इसे पलट देते हैं, फिर इस तरह से भी हम इसे लगा लेते हैं चारों तरफ से। और गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पर हमें दोनों तरफ से जो है कि तेल हम पोत लेते हैं इसमें। इसे हमें जो है कि दोनों तरफ से जो है कि तेल लगाना है, और हमने दोनों तरफ से इसे तेल लगा दिया है, और दोनों तरफ से हमें उलट पलट कर इसे अच्छे से सेकना है। और ये देखिए फूल भी रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह। ये देखिए इसी तरह करके हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए मैं दूसरा वाला बना रही हूँ, और एक तरफ से मैंने तेल लगा लिया है, फिर मैं दूसरी तरफ से भी इस पर जो है कि तेल लगा लेते हैं। आप इस पर बटर भी लगा सकती हैं, घी भी लगा सकती हैं, तेल भी लगा सकती हैं, जो भी मन चाहे आप इसे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये देखिए, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ, और इसी तरह करके मैं बाकी के सारे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है कि पूड़ी को बना भी लिया है और इसे सब कर लिया है। और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप जो है कि खीर के साथ भी इस पराठे को खाएंगी तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और मेरे बच्चों को खीर पराठे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने खीर भी बनाए हैं। तो ये देखें मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से जो है कि इसकी डिपिंग आप देखो। ये देखें आपको दिख रहा होगा, ये स्टिपिंग देखिए बहुत ही अच्छे से अंदर तक फैली हुई है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और आपको पसंद आए ये रेसिपी तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें ये खीर के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हो, टमाटर कचप के भी साथ खा सकते हो,
और खीर के भी साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।